चलती है। अरे मोटे मोटे ने बल्ली वाली। हाँ भाई लेट आऊंगी। कहना कैसी शक्ल बना के आई। गुड मॉर्निंग सारे भाई और बहनों को, हमारे व्लॉग में आपका स्वागत है। है ना, सुबह की शुरुआत पानी के साथ। राम राम जी। सॉरी ये दे। अच्छा मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलती हूं, आज आप मुझे बोल दो ना। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग गुच्चू। गुड मॉर्निंग गुच्चू। आज जोशी जी ने की है वॉक की स्टार्टिंग, तो आज का दिन जरूर कुछ इम्पोर्टेंट कुछ प्यारा होने वाला है, तो बने रहिए साथ में। जो भी होता रहेगा दिखाते रहेंगे आपको। हाँ जी। साफ सफाई चल रही है अभी घर की, बीच में अभी जूते सही करने वाले भैया गली में आए हैं। वो आते हैं पता नहीं किस समय आते हैं, मैं रूम में होती हूँ मुझे पता नहीं लगता, क्योंकि अंदर वाले रूम तक ना बाहर की आवाज़ नहीं आती है। तो एक सैंडल है मेरी, वो तकरीबन उसको मेरे को लगता है साल डेढ़ साल ही हो गया, न्यू खरीदी थी, ब्लॉग में दिखाया भी था मैंने, एक बार ही पहनी शादी में जब हम लोग जा रहे थे वहीं टूट गई थी वो, तो ऐसे की ऐसी रखी हुई है अभी उनको देरी में सिलने के लिए। और जोशी जी का भी ऑर्डर आया कि गर्मा गर्म चाय तैयार करो रस के साथ, रस में भी मक्खन लगा होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। मुझे पाए भाई से लगा हुआ था ना दीदी। पूरे में सिलाई की जरूरत नहीं है इसको, पूरे पे नहीं हो बेकार लगेगी, पूरे पे सिलाई अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा इसे तो लगा सकते हैं, ये तो पैकिंग से चल जाएगी। हां हां हां, मतलब वजन इन पे सबसे मेन चीज जो होती है इन पे वजन पड़ता, लोड इन पे आता है। ऊपर ही दिख रही है साइड में दिख रही है। ये नहीं दिख रही। मैंने इनको बोला पहले नहा लो फिर आराम से नाश्ता कर लेना, कह रहे नहीं पहले नाश्ता करूंगा उसके बाद नहाऊंगा। सही बढ़िया जी, चाय मक्खन सही लगाया जी रस पे, बढ़िया इनके शौक ही नहीं डाले हैं। मैया अपनी बेटी का ख्याल रखना, मैया अपनी बेटी का ख्याल रखना, अटल माँ मेरा सुहाग रखना, मेरा सुहाग रखना। घर की साफ सफाई डन करने के बाद नहाकर तैयार होकर जो जला लिया, अभी मैंने पूजा पाठ कर लिया है। जोशी जी फिलहाल गए हुए हैं नहाने के लिए, मम्मा बाहर बैठे अपने फोन में सुन रहे हैं पहाड़ी सॉन्ग। चलते हैं हम रसोई में, करते हैं नाश्ते की तैयारी। जोशी जी ने नहा लिया, अभी पूजा पाठ कर रहे हैं ये, डमरू बजने की आवाज आपको आ रही होगी पीछे। और अभी कुकर में हमारी यहाँ घी दाल हो चुकी है तैयार, लेकिन जोशी जी कह रहे हैं मुझे रोटी नहीं खानी ना, आज टिफिन पैक करवा के लेके जाना है, बस आप गर्मा गर्म मैगी तैयार कर दो मेरे लिए। इनका भी पता नहीं लगता मूड का, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। तो मैगी के अभी 3-4 पैकेट हैं इसमें बचे हुए, हमारा हो जाएगा। तो सुबह के नाश्ते में भी मैगी बन रही है जोशी जी की स्पेशल डिमांड पे। मैगी तैयार सिर्फ 2 मिनट में, ये सब बकवास बातें हैं, टाइम लगता है भाई, प्लेन मैगी है फिर भी टाइम लगता है। गर्मा गर्म मैगी हो चुकी है हमारी तैयार, सूप वाली मैगी बनाई है मैंने, मुझे वैसे ऐसी मैगी पसंद है। मैगी गर्मा गर्म ही होती है, थोड़ी देर पंखे के नीचे छोड़ दो 5 मिनट ठंडी हो जाएगी। मैगी कैसी बनी है आप ये बताओ। बिल्कुल मैगी की तरह। क्या बात है, वेरी नाइस। आज जोशी जी ने कुछ अलग जवाब दिया हटके विद स्माइल, वेरी नाइस, धन्यवाद। मतलब अच्छी बनी ना। जय हो सूर्यदेव भगवान। बाय बाय, यहाँ से जाना। नमस्कार मम्मा जी। बजरो बेटा जी सदा स्वागत हो। कैसे हो? बढ़िया है, आप सुनाओ ठीक हो? बढ़िया। खाना पीना हो गया? बन गया। आज तो पतिदेव घर में आए हुए हैं, क्या बात है, आज तो बड़ी खुश लग रही हो। पतिदेव घर में आए थे। क्या करे? काम, पतिदेव घर में आए तो काम बड़ा बड़ा है, कौन सा कोई हाथ बट रहा मेरा। ओ भाई साहब, ऐसी बात होगी क्या? अब देख रहे पापा, सुन रहे हो? पापा कहाँ गायब कर दिए मेरे। नमस्कार पिताजी। हाथ बटाना है, हाथ काटना नहीं है, चाकू दिखा रहे हो। नमस्कार पापा जी। सौभाग्यवान, क्या खा रहे हो? फल? अमरूद, पपीता, अनार। गुड आफ्टरनून यूट्यूब फैमिली। दोपहर के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं, अभी मैंने व्लॉग एडिट कर लिया है, आपके कमेंट्स की रिप्लाई भी कर लिए हैं, फोन का काम काज हो गया है मेरा डन। तो लवी आ गई है स्कूल से घर वापस, ड्रेस चेंज करके मैडम जी सीधा इधर पहुंची है। लंच कर लिया? यस, पूरा।
पूरा, वहां खा के आई होगी जो मम्मा ने टिफिन भेजा हुआ ना, उसी को बोल रही होगी। सब पता है मुझे, घर आ किसने खाना भी नहीं खाया। अभी नोटबुक्स लेकर आ गई हैं कि चाची मेरा होमवर्क करवा दो। मैं कहा चलो ठीक है होमवर्क करवा देते हैं। और मैडम जी आज चोट भी खाकर आई हैं पाँव में, देखो अंगूठे में चोट लगी हुई है इसके। कैसे लगी? इतनी बड़ी मेरी साइज की बच्ची, मैं पैर पे ना पाँव रख के चली गई। हाँ पहले मेरे इसमें लगी हुई थी। तूने कुछ नहीं बोला उसको जब तक वो भाग गई? टीचर को कंप्लेंट भी नहीं की? करी, मैं कही थी कि मंडे को बताऊंगी क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी है। ओ यस, छुट्टी के नाम पे तो लवी खुश। तो अभी फटाफट से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए चाची। ठीक है? यस। ये देखो फ्लावर, बचपन में बनाते थे ना ऐसा? हाँ हाँ। तो ये तो खैर इसका तो बचपन ही चल रहा है, आपने भी बनाए होंगे पक्का ऐसे। ये हरकतें की थी ना मैंने तो बहुत की थी, देखते थे किसका सबसे बड़ा होगा। गिशी हाँ। और मेरे में तो ऐसे गिशी, बड़ा भाई और मैं, हम तीनों में कंपटीशन रहता था कौन सबसे बड़ा छिलके निकालेगा। दोपहर के 2:10 पे अभी लवी का होमवर्क हो चुका है कंप्लीट। ये आंखें बंद करके बैठी है मैडम जी, आंखें खोलिए। टेन टेन, ठीक है? नहीं पता क्या है ये? भूख लगी जोरों की भूख लगी। यहाँ पर अभी किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? लंच। कैसन बना है खाना? बहुत है भर। घूम गगरे वाली तेरे मोटे मोटे नैन, आजा तेरी कॉपी पे चल वाले छोरी पेन, आजा आजा तेरी कॉपी। लवी की कॉपी मेरा पेन। शाम का समय है, सभी बच्चे गली में खेल रहे हैं। यहाँ पर ईशान और मैं आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम किसने दिलाई शानू? दादी। ईशान की दादी ने हम दोनों को आइसक्रीम दिलाई है। पहले सिर्फ ईशानू को दिलाई थी, फिर मैंने ईशानू को कहा मेरे लिए भी ले गया, फिर दादी को खींच के ले गया। दादी चाची के लिए भी आइसक्रीम लाओ। आइसक्रीम टेस्टी है शानू? छोटी वाली है? छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली। बड़ी वाली है, टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। खा लूं? खा लूं? मैं खा लूं? अपनी खाऊं? दादी को थैंक यू बोला आपने? बोलो दादी थैंक यू आइसक्रीम देने के लिए। बोल दे, थैंक यू तो बोल दे। ईशान मेरे पास ही आ गया। बाबू थैंक यू बोल दो। दादी थैंक यू। संस्कार नहीं सीखता ये लड़का, बस यही कमी है इसमें। मोहन भैया ईशान कहाँ से? वो कॉल आंटी भेज वाले घर से कॉल का दिले कदरी खुद छोड़ जा लिया घर ही नहीं। लेकिन नाश्ते के लिए जो सुबह घिया दाल बनाई थी थोड़ी सी वो बची हुई है, और साथ में ही डिनर के लिए अभी मैं बनाने लगी हूँ कटहल की सब्ज़ी। कल के ब्लॉग में आपने देखा था सब्ज़ी मंडी से कटहल मैं लेकर आई थी, इसको काट कर धोकर एक बार अच्छे तरीके से पानी इसका छान लिया है। और दूसरी साइड यहाँ पर तड़के की तैयारी भी कर ली है, लहसुन है, टमाटर है, हरी मिर्च है, खूब सारा प्याज है। जो भुजिया वाली ऐसी सूखी सी सब्जियाँ रहती है ना, इसमें मुझे ऐसा होता है कि प्याज काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 बड़े वाले प्याज मैंने काटे हैं, और यहाँ पर हमारा कढ़ाई में हो रहा है तेल गरम। तो पहले हम कटहल को तल लेंगे अच्छे तरीके से, पानी नितर ही गया अभी इसका। कटहल को अच्छे से पकाना चाहिए, फिर चटकारे के साथ खाना चाहिए। ओ खाना खाना चाहिए, ओ खाना खाना चाहिए। तलने के बाद कटहल निकाल लिया है अभी हमने बाहर, और अभी हम फटाफट से लगाएंगे इसको तड़का। तड़का हो चुका है हमारा तैयार, तेल तैयार के आ चुका है ऊपर, इसमें अभी हम हमारा तला हुआ कटहल कर देंगे ऐड। वैसे तो कटहल को अच्छे तरीके से तल लिया था मैंने, कच्चा पानी इसमें बचा नहीं था, फिर भी तड़का लगाने के बाद कटहल जब ऐड किया थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ी देर और पका लिया है। और अभी जो हमारा बचा हुआ प्याज है इसको ऊपर से ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। थोड़ा प्याज जो कच्चापन सा आता है ना वो फ्लेवर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मा गर्म कटहल की सब्जी हो चुकी है हमारी तैयार। रात के 8 बजने वाले हैं, अभी जोशी जी को कॉल करके मैंने पूछा तो बोल रहे हैं कि मुझे टाइम लग जाएगा अभी ऑफिस से घर वापस आते आते। तो मैंने कहा चलो इतने में मैं अभी भोजन कर लेती हूँ, उनके घर वापस आने तक खाना हजम भी हो जाएगा मेरा। कुछ कब से लगी हुई मैं कटहल की सब्जी बनाने में, इसे तलना बनाना टाइम लग जाता है, लेकिन कोई भी काम होना जितनी मेहनत लगती है उतना ही फिर मेहनत का फल मीठा होता है। थोड़ी सी ऐसे बना देने के बाद मैंने टेस्ट कर ली थी, ओसम वाला टेस्ट है मुझे पता ही है ऑलरेडी,
जाके वो जोशी जी खाएंगे और फिर उनसे पूछवाऊंगी। वैसे वो तो हर चीज़ को बढ़िया ही बोलते हैं, भोलेनाथ की कृपा से ना खाना बुरा नहीं बनता, खाना अच्छा ही बनता है, मतलब खाने लायक तो बना ही लेती हूँ। इधर ये दोनों खेल रहे हैं, इनके साइड में ये रात के 11 बजे अभी जोशी जी घर पधार चुके हैं। जोशी जी कैसी बनी है कटहल की सब्जी? आप तो दोनों चीजें अभी खा रहे हो, खैर सुबह कौन सा आपने ट्राई किया था ना, सही बना खाना? वेरी गुड कह दो। रात के 11:30 बजे अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं। कहोगे कहाँ के लिए तैयार हो गए हो? यहाँ पे बैग पैक हो चुका है हमारा, ये एक पीछे छोटा वाला बैग है और एक ये वाला बैग है। तो यहाँ पे हल्का वाला चूड़ा भी पहन लिया है मैंने और कान के भी चेंज कर लिए हैं, पायल भी पहन लिए पाँव में। तो हम लोग हैं प्रॉपर तैयार। कहाँ जा रहे हैं जोशी जी? घूमने। चलिए सस्पेंस तो खैर आपको पता लग ही जाएगा। पिठा की रसम, मम्मी पतला आ रहा, पिठा नहीं हो रहा, गाढ़ा सा हो रहा है ना, लेट आऊंगी। नवरात्रि बात ही आगे निकला नहीं बात ही। हाँ ससुराल जा रहा है मेरा, मम्मी को छोड़ के बस नहीं रहा, बस नहीं रहा मुझे यहाँ। ठीक है मम्मी, रात के 11:40 पे अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हाईवे पे। कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ दिन पहले ऐसे ही मैंने इनके साथ प्रैंक वीडियो शूट की थी और आज सच में हम लोग जा रहे हैं मेरे मायके इसी सड़क पे उसी तरीके से। एक्चुअली सीन क्या हुआ, आज सुबह ना हम लोग उठे भी नहीं थे, सुबह सुबह पापा का फोन आ गया। तो पापा फोन करके मुझे कह रहे हैं कि बिट्टू मैं घर आया हूँ। मैं अच्छा रेस्ट पे आया है, मैं घर आया हूँ, मेरे को ना बड़ी याद सी आ रही है और हो सके तो आ जाओ। मतलब इन 4-5 सालों में ना मेरी शादी के पापा ने कभी ऐसे बोला नहीं आज तक कि बिट्टू याद आ रही है आ जा करके। पहली बार पापा ने ऐसा बोला तो दिल में ऐसे लग गई वो बात की। फिर मैंने उनको बोला सुबह उठते, मैंने कुछ अगर हो सके तो चलें, तो ये कह रहे कि मैं अगर काम से टाइम पे फ्री हो गया तो चलेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे जैसे भी होता है। लेकिन मना नहीं किया इन्होंने, इनकी ये बातें कभी भी मना नहीं करते कि जो भी होगा मौके पर देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो घर में नॉर्मल जैसे डेली काम करती हूँ, आप सुबह से देख रहे हो सब कुछ हो ही रहा था, लेकिन अभी फिर ये आ गए। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कैंसिल ही, अब तो कहाँ जाना है। तो लेकिन अब ये आए तो कह रहे नहीं चलेंगे, कोई बात नहीं, मेरा है 2 दिन अभी फ्री हूँ मैं, जाते मिलाते फिर पता नहीं कब मिलना होगा नहीं होगा। मैं चलो ठीक है। तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं। थैंक यू जोशी जी, किस बात के लिए? बस वैसे ही दिल कर रहा था, वेलकम कह दो। वेलकम वेलकम। और आपका कैसा रहा दिन आज के ऑफिस में? दिन लग गया, एक चीज कराई गाड़ी में, जो 2 चीज कराई। क्या टाइम लग गया मेरे को? क्या करवाया? गाड़ी का रंग चेंज कराया, कलर। वही तो सेम तो कलर, क्या चेंज करवाया? ओ भाई साहब, एंबिएंट स्लाइड। वाओ, रुको मैं आपको दिखाती हूँ, दिख रही है पीछे, देखो ये कितनी सुंदर लग रही है। क्या बोलते हैं इसे? एंबिएंट स्लाइड। एक ही कलर येलो कैसा लग रहा है? कलर चेंज हो सकता है, कलर चेंज कर लेंगे इसमें। कलर चेंज हो जाएगा? अच्छा कंट्रोल इनके हाथ में है। रेड लाइट हो गई, वाओ सुंदर लग रही है। और दूसरा काम क्या करवाया? दूसरा गाना बजा के दिखाते हैं आपको, साउंड इसकी आवाज। बूफर? हाँ, बजदा बूफर गड्डी च पैंती तबके। बस बैठे हुए थे गाड़ी में, देखा था दोस्त के यहाँ। हाँ। मैंने कहा अपना भाई अनु फिर आशीष अपना वही आ गया था। अच्छा, अपना आशीष ब्रो। बस वो आ गया था, फिर दोनों साथ में बैठे हुए थे। वो आगे फिर वो काम हुआ, फिर वैसे मैंने कहा चलो ठीक है बनाए दिखाऊंगा आशीष को भी, बनाया वीडियो बनाया मैंने, चलो भाई आशीष आजा, बहुत लोग तेरे को देख रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। अच्छा, साथ ही बैठा हुआ था, दिन से मेरे साथ ही था। अच्छा, सुबह से दोनों साथ ही बैठे हुए थे। अच्छा,
मेकअप काम करवाया, थोड़ी वीडियो शूट करके लाए हूँ। चलो अभी मैं इनसे वीडियो ले लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। साथ में हमारा सफर चल रहा है और साथ में आप देखो कि जोशी जी ने ये जो मस्त सा सरप्राइज दिया मुझे भी, आप सबको भी। अच्छा मम्मी को ये दिखा रहे थे कार में। अच्छा जब मैं वहां से आ रही थी ना, मम्मी को दिखाने लग रहे थे, मेरे हाथ इन्होंने बंद कर दिया। अच्छा ये सीन था, मस्त लग रहा है, कलरफुल लाइट है। कितने कलर है जोशी जी इसमें? सात रंग, सतरंगी गाड़ी बन गई हमारी। इसके अंदर मैं बूफर लगाऊंगा, साउंड बूफर, एम्बियंस लाइटिंग, अल्फा A1444 का एम्प हो गया, 4 चैनल का एम्प है जो मेरी सियाज में लगाया जाएगा। और एक इन्फिनिटी का बेस ट्यूब है, वे बेस ट्यूब ये लगाई जाएगी वहाँ पे गाड़ी के अंदर। गाड़ी में ऐसी आ जाएगी धम धुम धम, वो लगाया जाएगा, बस उसका काम शुरू करने वाले हैं। काम हो रहा है। टाइम लग रहे हैं अभी, शाम के 5 बज गए हैं, काम अभी थोड़ा ही हुआ है, टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा और समय का। ये भी क्या होता है, थोड़ा सा पकड़ाई जा रही है अंदर से बात। तार आगे जो बैटरी से कनेक्ट होगी, साउंड की तारों के लिए खोला जा रहा है ये सारा तमझम, अभी दोबारा लगेगा। सारा तमझम खुल गया है, अभी खोल के पीछे रख रहे हैं, अभी ला रहे सामान करेंगे पूरा सेट, फिर आपको दिखाता हूँ क्या होता है। जय बाबा की, इतनी तारों का जंजाल समझना हमारे बस की तो नहीं। तुम्हें कितना टाइम हो गया काम करते करते? 14 साल। कोई कोर्स होना करा तुमने? सीख सीख के हमारे तरह ये तो हम अपना इवेंट सीखे भाई साहब, बढ़िया। तार देख के तुम कहें कौन सी तार काटनी है, बढ़िया। इन सारे स्पीकर्स की तार काट के दूसरी तार जोड़ दी उन्होंने अंदर से, ताकि स्पीकर्स हमारे एम्प से बजे, बाकी जो वीडियो वगैरह चलते हुए चलती रहेगी इसके अंदर। खुली गाड़ी कितनी बुरी लगती है ना। दोबारा लगा दिया है अल्फा A1 का एम्पलीफायर 4 चैनल, देखिए नई बेस्टी आ गई है, गाड़ी में मेरी सेट होगी। कर रहे हैं काम लेट कर रहे हैं, आशीष भाई आ गए हमारे। भाई काम कैसे लेट आए जाए सुबह आशीष भाई? अगर काम लेट होगा तो आ गए हैं जल्दी करवाने। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया बाबा, काम हो ही गया, बस कर दिया मोबाइल में 6 से 7 मुँह पर सेट। लगने शुरू हो गए हैं गाड़ी के सारे, गेट लगने शुरू हो गए, गेट में लगी लाइट, लाइटिंग लगा दी है, कलर जो मर्जी चेंज करो हमारे पास। हाँ हाँ धीरे धीरे अपना बोत रहेगा। जैसे कि आपने व्लॉग में देखा अभी, कुछ इस तरीके से जोशी जी ने पूरा ये कार का सेटअप बनवाया है, लगवाया है, बहुत मस्त लग रहा है देखने में। 7 कलर है, बदल रहे हैं बार बार, गाड़ी का लुक ही चेंज हो गया, मतलब ऐसे लग रहा है डीजे लाइट बड़ा मस्त सा लग रहा है, और गाने तो हाई लेवल पे चल रहे हैं एकदम से। तो सफ़र बहुत औसम होने वाला है हमारा, बढ़िया है, बल्कि लॉन्ग रूट पर जहाँ भी निकलना हो ना तो बहुत बढ़िया तामझाम हो गया। पैसा लगता है तो दिखता भी है। तो अभी हम लोग निकल ही रहे हैं यहाँ से ससुराल से, मेरे मायके का सफ़र अभी आपको दिखाई देगा, तो बने रहिए साथ में, बहुत मज़ा आने वाला है। पापा ने ऐसे सुबह बोला था मेरे को, लेकिन मैंने उनको कुछ पक्का नहीं बोला कि हम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो वो लोग डाउट में है अभी। वैसे अभी तक हम नहीं गए तो उनको लग रहा होगा कि वो नहीं आ रहे, लेकिन मेरे को खुद नहीं पता था, जो जी ने मुझे भी सरप्राइज दी है, तो अब जाके उनको सरप्राइज देंगे। तो सो रहे होंगे, कोई बात डिस्टर्ब तो करना ही पड़ेगा, चलिए चलते हैं। हाँ ये सही कहा आपने। और अभी ये पाइप्स खाते खाते जाएंगे, इसमें ना 5-6 पैकेट मैंने एक में डाल रखे हैं, एक पैकेट में 4-5 पाइप्स होती हैं। तो कमेंट आ रहा था किसी का कि दीदी दिखाना, बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। रात के 12:40 पे अभी हम लोग बहुत गंदे वाले जाम में फंसे हुए हैं, ये गाड़ियाँ कब से हिलने का नाम ही नहीं ले रही। चल पड़ो भैया हमें पहुँचने दो, 1/2 घंटे से ऊपर हो चुका है हमें यहीं फंसे हुए हैं, चारों तरफ ट्रक की ट्रक। रात का सफर तो भाई कभी मत करो। अरे गलती कर दी मैंने, रात का ट्रक सफर अच्छा है, पर मैंने वो रास्ता पेरिफेरी वाला हाईवे है ना, वो रात को सुनसान होता है, मैं चलो दिल्ली के नहीं साले यहाँ आके फंस गए सिंधु बॉर्डर में। चारों तरफ ट्रक की ट्रक है, अब नहीं हम पहुंचने वाले टाइम पे, अब तो बेटाइम तो पहले ही था, अब और भी ज्यादा बेटाइम हो गया। जाम में फंसे हमें 1:30 बज चुके हैं अभी,
तो सोने का टाइम तो सारा ऐसे निकल गया। सो जाओ अभी, सो जाओ गाड़ी में यार, चला रहा हूँ गाड़ी, तुम सो जाओ। मुझे बोल रहे हैं कि सो जाओ, लेकिन मुझे ऐसा लगे फ्रंट सीट पे बैठ के सोना नहीं चाहिए। तो पीछे बैठ के सो जाओ, फ्रंट सीट पे नींद नहीं आती। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितना कंट्रोल हो पाए, सो गई तो फिर सो गई, फिर नींद पे तो जोर है नहीं। रात के 2 बजे सोनीपत वाला टोल क्रॉस करने लगे अभी हम। दिल्ली से देख लो हम वहाँ कौन से आधे घंटे में आ गए, टोल आधे घंटे 33 पे निकले थे, 51 हो गए। 2:23 पे अभी हम पहुंच चुके हैं पानीपत वाले टोल पे। पानीपत और करनाल के बीचों बीच अभी यहाँ पे सीएनजी भरवाई जाएगी, लाइन तो लगी हुई है लंबी, यहाँ से लेकर वहाँ तक लाइन है। सीएनजी भरवा के यहाँ से निकलते निकलते सुबह के 3 बज गए हैं हमें, लाइन बहुत लंबी थी तो टाइम लग गया। यहाँ से अभी एक पैटीज भी ली है और एक इन्होंने कैन लिया है थम्स अप। चलिए ताकि नींद ना आए, क्योंकि इस समय तो भाई नींद भयंकर वाली आती है, बस सही सलामत अच्छे तरीके से पहुँच जाए मंजिल पे। आज का सफर तो याद रहेगा मेरे को। 4:30 अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अंबाला हरियाणा। अंबाला में आपका स्वागत है जोशी जी। सेम टू यू जी। आया नु पटियाला नगर निगम च तुहाडा स्वागत है। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, पहुंच गए हैं पटियाला। प्लॉट के बाहर गाड़ी कर दी है खड़ी, एक बैग मैंने लिया है उठा, एक बैग जोशी जी भी उठाएंगे। आ जाओ यार, मेरे को तो नींद आ रही है जबरदस्त। मुझे तो लगा था हम रात में पहुंच जाएंगे करके। तो रात ही में तो आए हैं, कहाँ से आ गए, रात को सुबह के 6 बज रहे हैं। शक्ल देखना कैसी शक्ल बना के आई मैं मेरे मायके में। तल्लो गली खुश हो गया बेटा। मम्मा यहाँ पर नहा कर तैयार, गरम गरम पानी आ चुका है। हमें गर्म पानी देकर अभी मम्मा चले गए हैं मंदिर माथा टेकने के लिए। नहाकर मम्मी तैयार भी हो चुके हैं हमारे घर आने तक। पापा फिलहाल रेस्ट पे आए हुए हैं तो वो सो रहे हैं अंदर, अभी जोशी जी देख कर आए हैं तो मुझे अभी ऐसे डिस्टर्ब करना सही नहीं लग रहा। जब उठेंगे तो उनको सरप्राइज करेंगे, जो भी होगा वो आपको कल के ब्लॉग में दिखाई देगा। हमारा आज का सफ़र आपको कैसा लगा, जोशी जी का सरप्राइज कैसा लगा, जो हमारी कार सजी है वो आपको कैसी लगी, और हमारा अचानक से विजिट करना पटियाला में कैसा लगा बताना कमेंट्स करके। और आगे आने वाले ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं, तो बने रहिए साथ में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। आइए आह आह। Thank you.